मैं आदर और सम्मान के साथ हमारे नगर के जो प्रभारी मंत्री हैं सम्माननीय प्रियवर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी को मां नर्मदा मैया की जय। आज नर्मदा गौकुंभ के इस अवसर पर मंच पर विराजमान मैं सभी पूजनीय साधु संतों के चरणों में नमन करता हूं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक और नेता आदरणीय कमलनाथ जी, जबलपुर के गौरव और राज्यसभा के सांसद आदरणीय विवेक तनखा जी, जिस क्षेत्र में ये नर्मदा गौकुंभ हो रहा है यहाँ के यशस्वी विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय तरुण भानोट जी, मंच में विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय लखन भैया, आदरणीय सभी सम्मान्य विधायकगण, यहाँ पे पधारे सभी जनप्रतिनिधिगण और संत समाज के सभी सम्मान्य साथ पधारे हुए आगंतुकगण और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे पधारे नर्मदा मैया के पावन दर्शन करने के लिए पधारे हमारे सभी भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों साथियों इस पूरी भव्य आयोजन जो मध्य प्रदेश की सरकार ने आपके चरणों में समर्पित किया है और पूरे संत समाज का आशीर्वाद आज यहाँ पर प्राप्त करने के लिए लाखों श्रद्धालु पधारे हैं और माँ नर्मदा के तट पर पावन स्नान करकर अपने सारे पाप पुण्य लेकर और आज यहाँ पर जितने श्रद्धालु पधारे हैं मैं उन सभी का इस नर्मदा गौकुंभ में स्वागत भी करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि ये जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और पूरे साधु संत समाज का हमें जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है निश्चित रूप से ये जबलपुर के धार्मिक विकास में सांस्कृतिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी को इस आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।